क्या खाएं कि बच्चा हमारा तेज दिमाग का हो? तो बच्चे के तेज दिमाग के लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए संतुलित आहार, जिसमें ड्राई फ्रूट, हरे पत्तेदार सब्जियां और जो सबसे जरूरी है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के तेज दिमाग के लिए, वो है DHA पाउडर, जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां से जाके आप इस DHA पाउडर को खरीद सकते हैं। ये पाउडर जिन महिलाओं को दूध नहीं बनता उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि यह लैक्टेशन में भी मदद करता है, दूध बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल, एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि की बात कर रहे हैं जिसके फायदे आपको एक बार जोर चौंका देंगे। जी हाँ, हम पपीते खाने की बात कर रहे हैं, और 4 दिन लगातार अगर आप सप्ताह में पपीता खाओगे तो आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे जिसको सुनकर आप एक बार विश्वास भी नहीं करोगे। दोस्तों, एक बार एक इतालवी समुद्र यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बार कहा था कि जो पपीता है वो फरिश्तों का फल है। पपीता है जो फरिश्तों का फल है। यह एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होता है। साथ ही साथ इसमें पेप्सिन नामक पाचक तत्व भी पाया जाता है। दोस्तों, भारतीय आयुर्वेद के मुताबिक अगर सप्ताह में कम से कम 4 दिन पपीते का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर की 3/4 बीमारियों का नाश हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि पपीते के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है पपीता। कहते हैं अगर आप सप्ताह में कम से कम 4 दिन पपीते का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। पपीते में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपके रक्त शिराओं में कोलेस्ट्रॉल के थक्के नहीं बनने देता। कोलेस्ट्रॉल के थक्के दिल का दौरा पड़ने और उच्च रक्तचाप समेत कई अन्य हृदय रोगों का कारण बनती है। तो अगर आप उन रोगों का कारण नहीं बनना चाहते तो इसके लिए आप पपीते का सेवन करें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें। नंबर 2, पपीता वजन घटाने में मददगार होता है। जिन लोगों का लक्ष्य अपना वजन कम करना है, उन्हें अपने आहार में सप्ताह में कम से कम 4 दिन पपीते को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होता है। पपीते में मौजूद फाइबर एक और जहां आपको तरोताजा महसूस करवाता है, वहीं आपकी आंत की मूवमेंट को भी ठीक रखता है, जिसके फलस्वरूप वजन घटना आसान हो जाता है। नंबर 3, गठिया से बचाता है पपीता। जी हाँ दोस्तों, गठिया वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को बेहद ही दुर्बल कर देती है, साथ ही हमारे जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित करती है। पपीते को खाना आपकी हड्डियों के लिए बेहद ही लाभकारी हो सकता है। इसमें विटामिन सी के साथ साथ सूजन रोधी गुण भी होते हैं, जो गठिया के कई रूपों से शरीर को दूर रखता है। एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी युक्त भोजन न लेने वाले लोगों में गठिया का खतरा विटामिन सी का सेवन करने वालों के मुकाबले 3 गुना होता है। नंबर 4, पपीता इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अर्थात पपीता हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, यदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बीमारियां आपसे खुद पे खुद दूर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रतिरोधक तंत्र ही आपको बीमार कर देने वाली कई संक्रमणों के विरुद्ध ढाल का काम करता है। केवल एक पपीते में इतना विटामिन सी होता है जो आपके प्रतिदिन की विटामिन सी की आवश्यकता का 200% होता है। जाहिर तौर पर यह आपके प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है। नंबर 5, आँखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है पपीता। पपीता में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपकी आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। कोई भी व्यक्ति उम्र बढ़ने की वजह से आंखों की रोशनी से महरूम नहीं होना चाहता, तो पपीते को अपने आहार में शामिल करके आप ऐसी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं। नंबर 6, पथरी के उपचार के लिए रामबाण औषधि है पपीता। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पथरी की शिकायत है उन्हें पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पपीते द्वारा पथरी रोग का इलाज कैसे करते हैं। इसके लिए मादा पपीते की वृक्ष की जड़ को सुखाकर उसे अच्छी तरह कूट पीस कर छान लें। इस चूड़ का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ठंडे पानी के साथ सेवन करें। कुछ ही दिनों में पथरी पेशाब के रास्ते बाहर आ जाएगी। नंबर 7, माहवारी के दर्द से छुटकारा दिलाता है पपीता। माहवारी के दर्द से गुजर रही महिलाओं को अपने आहार में पपीता जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पैपीन नामक एंजाइम माहवारी के दौरान अर्थात MC के दौरान रक्त के प्रवाह को दर्द से दूर रखता है। नंबर 8, पपीता कब्ज की शिकायत को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, कब्ज रोगी कच्चे पपीते को सुबह खाली पेट खाएं तो कब्ज दूर हो जाती है। इसके लिए यदि आप चाहें तो पका हुआ पपीता 250 ग्राम छीलकर 250 ग्राम दूध के साथ खाने से भी कब्ज दूर हो जाती है। नंबर 9, मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है पपीता।
दोस्तों पपीता मधुमेह रोगियों के लिए आहार के रूप में एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि स्वाद में मीठा होने के बावजूद इसमें शुगर नाम मात्र का होता है। साथ ही वे लोग जो मधुमेह के मरीजी नहीं हैं, इसे खाकर मधुमेह होने के खतरे को दूर कर सकते हैं। नंबर 10, उम्र बढ़ने की निशानियों को रोकता है पपीता। दोस्तों हम सभी हमेशा जवान रहना चाहते हैं, पर कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया है। फिर भी स्वास्थ्यवर्धक आदतों में एक पपीता सप्ताह में 4 दिन के हिसाब से शामिल कर लें। ऐसा करके आप अधिक युवा दिख सकते हैं, क्योंकि पपीते में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन सरीखे एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आपकी त्वचा को झुर्रियों से दूर रखता है। नंबर 11, दोस्तों पपीता पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पपीता हमारे शरीर के पाचन क्षमता को सही रखता है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और खाना आसानी से पचने लगता है, क्योंकि पपीते में फाइबर के साथ साथ पेपाइन नामक एक एंजाइम होता है जो आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है। दोस्तों आयुर्वेद उपचार जीवन जीने की एक पद्धति है, पर दोस्तों इस पौष्टिक और रसीले फल से कई विटामिन्स मिलते हैं। नियमित रूप से खाने से शरीर में कभी विटामिन्स की कमी नहीं होती। बीमार व्यक्ति को दिए जाने वाले फलों में पपीता भी शामिल होता है, क्योंकि इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के साथ कुछ मात्रा में विटामिन डी भी मिलता है। पपीता पेप्सिन नामक पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, पपीता एकमात्र ऐसा फल है जिसमें पेप्सिन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होता है। पपीते के इन्हीं गुणों के कारण एक इतालवी समुद्र यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बार कहा था कि पपीता फरिश्तों का फल है। जी हाँ दोस्तों, पपीता पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और पेट रोग भी दूर होते हैं। पपीता पेट के 3 प्रमुख रोग आम, वात और पित्त तीनों में ही बहुत ही लाभ पहुंचाता है। यह आंतों के लिए उत्तम होता है। पपीते में बड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, इसलिए आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आंखों की रोशनी तो अच्छी होती ही है, त्वचा भी स्वच्छ और चमकदार बनी रहती है। पपीता सौंदर्य का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि पपीते के सेवन से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। चेहरे की झुर्रियां बुढ़ापे का चिन्ह है तथा झुर्रियां न पड़ना सुंदरता की निशानी होती है। यदि आप पपीते के गुदे को निकाल कर और अच्छी तरह गूथ कर रात को सोते समय अपने चेहरे पर मलें और उसे सुबह धोकर देसी घी के साथ मालिश करें, तो मात्र 1 मास में चेहरे की सारी झुर्रियां और दाग साफ हो जाएंगे। इसके अलावा पपीता पथरी के उपचार के लिए रामबाण औषधि है। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पथरी की शिकायत है उन्हें पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पपीते द्वारा पथरी रोग का इलाज कैसे करते हैं। इसके लिए मादा पपीते, नोट दिस पॉइंट, मादा पपीते के वृक्ष की जड़ को सुखा कर उसे अच्छी तरह से कूट पीस कर छान लें। इस चूड़ का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ठंडे पानी से, जी हाँ दोस्तों ठंडे पानी से सेवन करें। कुछ दिनों में ही पथरी गलकर पेशाब के रास्ते बाहर आ जाएगी। इसके अलावा पपीता कब्ज के शिकायत को भी दूर करता है। कब्ज की शिकायत अर्थात जिन्हें मल त्याग करने में कठिनाई हो, प्रायः कब्ज की शिकायत छोटे बच्चों में देखने को मिल जाती है। कब्ज रोगी कच्चे पपीते को सुबह खाली पेट खाएं तो कब्ज दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो पका हुआ पपीता 250 ग्राम छीलकर 250 ग्राम दूध के साथ खाने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा पपीता खूनी बवासीर में बेहद ही फायदेमंद होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बवासीर के रोगी को सुबह निहार मुख 250 ग्राम पपीता खाएं तो उनका रोग जल्द ही ठीक होता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त पपीता दूध वृद्धि में रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। कई औरतों के बच्चे होने पर दूध बहुत कम उतरता है, जिससे बच्चे का पेट नहीं भरता और वह रोता रहता है। ऐसी औरतों को कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर दोनों समय खिलाने से दूध ठीक से आने लगता है। दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर की हड्डियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके डायमीटर हमारे उम्र के साथ बढ़ने लगते हैं, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हड्डियों में छिद्र के डायमीटर बढ़ने के कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ये घटना बहुत तेजी से होती है। इसका प्रमुख कारण है महिलाओं में मासिक धर्म यानी मेंसुरेशनल साइकिल अर्थात हर महीने MC का आना, जिससे ब्लड के साथ शरीर से आयरन और कैल्शियम भी शरीर से बाहर निकलता है। अतः अब आप समझ गए होंगे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हड्डियां ज्यादा कमजोर क्यों हो जाती हैं। अतः यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें, तो इसके लिए आपको पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पपीते में कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हड्डियां मजबूत बनाता है। हाँ, एक बात और, गर्भवती महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर कच्चा या आधा पका हुआ पपीता, क्योंकि
पपीते से गर्भपात होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त पपीते में एंटी इंफ्लेमेटरी, कैंसर रोधी और हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती रहती है उनके लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभकारी होता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसमें बढ़ते बच्चों के बेहतर विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। शरीर का पोषण देने के साथ साथ ये रोगों को दूर भगाता है। जी हाँ दोस्तों, पपीता कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अगर आप सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन पपीते का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, जो कि आपकी रक्त नलियों में कोलेस्ट्रॉल के थक्के नहीं बनने देता, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दिल का रोग तथा हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। अतः आप पपीता खाइए और अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, पपीते के नियमित सेवन से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। पपीते में पाए जाने वाला एंजाइम शरीर में होने वाले सूजन को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों को या महिलाओं के शरीर में सूजन की समस्या हो, वे व्यक्ति पपीते का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पपीता वजन को घटाने में काफी लाभदायक माना जाता है। एक मध्यम आकार के पपीते में मात्र 120 से 125 कैलोरी एनर्जी ही होती है। कैलोरी कम होने के कारण ऐसे में अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी डाइट प्लान में पपीते को जरूर सेवन करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। पपीता पेट को संक्रमण से बचाता है और शरीर के पाचन की क्षमता को सही रखता है। साथ ही यह हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से पपीता खाने से बालों की झड़ने की समस्या, चर्म रोग, झुर्रियां पड़ना, बवासीर तथा अनियमित मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त पपीते से दांत, खाज, खुजली दूर हो जाती है। दोस्तों, पपीता हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जाहिर सी बात है, यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरक्षा क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां आपसे खुद पे खुद दूर रहेंगी। दोस्तों, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही हमें वायरल इन्फेक्शन और वायरल बीमारियों से बचाता है। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत होती है, उन्हें भी पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड का साइकिल नियमित रहता है, वहीं दूसरी ओर दर्द में भी आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त पपीते का रस आंत से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और शरीर में विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जिसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, क्योंकि पपीता खाने में मीठा होने के बावजूद भी इसमें शुगर बहुत कम होता है। इसके अलावा जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, अर्थात जिन्हें अक्सर अपच की शिकायत होती है, अर्थात जिन्हें खाना खाने के बाद उनका भोजन ना पच रहा हो, अपच की शिकायत हो, उन्हें पपीता खाना चाहिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और खाना आसानी से पचने लगता है। 100 बात की एक बात, पपीता पेट के सभी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है।